हमारे शहरों में पैदा हुए कचरे के साथ लगभग 13 से 15 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। इन लोगों को अक्सर अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। बिना किसी सुरक्षा के काम करने की वजह से तरह तरह की बीमारियां लगने का डर भी बना रहता है। समाज भी इस काम को नीची निगाह से देखता है। पुलिस और म्युनिसिपैलिटी भी इनको अपराधी की दृष्टि से ही देखते हैं। ना इनका जीवन आसान है ना काम, फिर भी इनके काम को कोई अहमियत नहीं मिलती। पुणे शहर में सन 2007 में कचरा चुनने का काम करने वाले लोगों की एक सहकारी संगठना बनी, स्वच्छ। म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर शहर की कचरा व्यवस्था में स्वच्छ को एक अहम सहयोगी के रूप में शामिल किया गया। आज स्वच्छ के साथ करीब 2500 महिलाएं काम करती हैं, जो मिलकर करीब 4 लाख घरों की कचरा व्यवस्था को देखती हैं। एक बड़े पैमाने पर कचरा चुनने वाली महिलाओं का जीवन बदला है। स्वच्छ संस्था ने जिन जिंदगियों को बदला है, उनमें से एक है सरूबाई। अपने देश के साथ साथ अमेरिका, ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज में अपने अनुभव को बांटने के साथ साथ आरबीआई की पुणे शाखा में सरूबाई अपने पति के साथ एक कंपोस्ट प्लांट चलाती हैं। काम शुरू किया था तो उस वक्त हालात कैसे थे? क्योंकि हम तो कूड़ा उठाते हैं ना। बिल्कुल सही। उनके घर का उठाते हैं ना। बिल्कुल। गंदगी कौन करते है? वो लोग करते है ना। साफ सफाई तो हम करते हैं। अच्छा, गुंडे लोग भी परेशान करते हैं? गुंडे लोग भी। क्या समझे, कंटेनर पे गए तो फिर दम देने के, इधर नहीं आने का, इधर ऐसा करते तुम लोग, ऐसा करते, बंगले पे तुम बंगले के अंदर घुसते। सबका नजरिया जो था वो बुरा था आपकी तरफ। हाँ। तो ये स्वच्छ जो शुरू हुआ, उसके बाद क्या तब्दीलियां आई? ऐसा बदला हो गया कि हम डोर टू डोर कलेक्शन कर सकते, घर घर जाके हम कचरा उठाते और उनको बोलते कि तुम अलग अलग करो, तो उनको गीला क्या है और सूखा क्या समझ में नहीं आता है। किसको? और जो नागरिक लोग। और पैसे मांगने गए ना, जो 20-30 रुपए महीने का देते है, वो भी नहीं देते। नहीं देते वो। क्या कहते हैं? भाई आज साहब है घर में, बाद में आओ, 500 के नोट है। तो आगे गए तो बोलते 1000 के नोट है। फिर हम ऐसा वही तक जाते, फिर हम क्या करे, फिर हमने क्या करे, ठीक है मैं बोली अभी अगले महीने में देखेंगे। अगले महीने में गए, भाई पैसे दो ना, लव हम देते, मैं बोली 1 साल का हमारा एडवांस आ गया, हम ले लेते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग मॉल्स में जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया एक झटके में खर्च कर देते हैं, लेकिन जो लोग साफ करते हैं हमारा कचरा, उनको हम 30-40 रुपया देने से कतराते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मुझे बताइए लक्ष्मी जी, के ये जो आपने संस्था शुरू की, सबसे बड़ी एक दिक्कत आप लोगों के सामने क्या आती है? दिक्कत ये आती है, ये जो नागरिकों के घर से कूड़ा उठाने जाती है, उनकी एक मानसिकता है, उसके बारे में तो हम सबकी मानसिकता है। कचरा फेंकते वक्त गीला सूखा तो अलग करते ही नहीं है, उसके साथ साथ कांच के टुकड़े, काफ़ी लोगों ने कहा कि कांच कम से कम अलग से बांध के ड्राई वेस्ट में दो, वैसा भी करते नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स के बारे में, जब वो आप फेंकते हो तो कम से कम एक कागज में बांध के फेंकिए, उसके लिए अगर 1 रुपया खर्चा करके बैग खरीदना है तो वो 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हो तो कम से कम उसके डिस्पोजल के बारे में थोड़ा सोचो, कम से कम उसका सेफ हैंडलिंग हो, इसके लिए एक एनवेलप बना दो, एनवेलप बना के उसके साथ भेज दीजिए, ताकि कोई भी जो हैंडल करता है उसे पता चले इसमें क्या है। तो ये हम सब में बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे बताइए सरूबाई, एक क्या चीज है जो अभी आपको लगता है कि अगर हमको मिले तो अच्छा है? हमको ऐसा लगता है कि जब हम कचरा जब रास्ते पे चुनने बैठते, अलग अलग करते, तो सरकार ने हमको जगह देना चाहिए। कचरा ये काम इस वक्त सड़क पे हो रहा है, सड़क पे हो रहा है, उधर से सड़क पे करे तो भी बोलते हैं कि तुम गंदा करते, इधर कचरा करते, तो हमारा मतलब क्या है कि तुम हमको जगह दो। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। दोस्तों आज हम लोग काम करने के लिए अपने अपने दफ्तरों में जाते हैं, बिना काम करने की जगह के क्या हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे? तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो लोग कचरे के साथ काम कर रहे हैं उन्हें काम करने की जगह की जरूरत नहीं? देश के एक शहर ने इस जरूरत को पहचाना है, बैंगलोर। बैंगलोर में लगभग 80 वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खुल चुके हैं।